अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? व्यूज कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए एक बड़ी सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन बहुत मज़े की होती है। सबके घरों में ये मूंग की दाल बनती है। मूंग की दाल बनती तो सब तरफ है, लेकिन हर एक ही एक एक अपना तरीका है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, जो कि एक मसाले वाली होती है, बड़े डिफरेंट स्टाइल की होती है। इसमें कोई पानी नहीं डलता, कोई कुछ नहीं डलता। मैंने तो आप मेरी तरीके से बताएं बनाएं, फिर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, ठीक है? यहाँ मैंने मूंग की दाल को 2 घंटे पहले भगोया हुआ था पानी के अंदर, ठीक है ना? ये देखिए बिल्कुल नरम है, बिल्कुल, ये आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल नरम हो चुकी है ये 2 घंटे, क्योंकि ये दाल बनती भी जल्दी है, तो इसलिए ज़रा हम लोगों ने 2 घंटे पहले भिगो के रखनी है, ठीक है? यहाँ मेरे पास एक प्याज है, 2 टमाटर है, 3-4 हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़्यादा सारा धनिया है, ठीक है? लहसुन अदरक मैंने पीस के, फ्रेश पीस के रखा हुआ है, और टमाटर बेसिक सामान है सारा। और यहाँ पे हमारे पास नमक, मिर्च और हल्दी, जो आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि क्या क्या चाहिए, ठीक है ना? गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब हमारा सारा तैयार हो जाएगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मूंग की दाल बनाना, ठीक है? अभी हम अपनी कढ़ाई को लगाएंगे कढ़ाई के नीचे, और आधा कप ऑयल डालेंगे, आधा कप ऑयल, इसमें कुछ मसाले ऐसे हैं जो सब नहीं डालते, तो जो है ना मैं थोड़ी सारी वेरिएशन करती रहती हूँ कि कैसा नया नया टेस्ट बनाए, कैसे करें। तो चलिए ये देखिए, अभी हम लोगों ने प्याज को ब्राउन करना है, हल्का सा पिंक शेड लाना है इसका, ठीक है? पहले प्याज को हमारा प्याज हो गया ब्राउन, बहुत मज़े का हो गया ब्राउन। अब ये जो लहसुन अदरक और टमाटर और हरी मिर्ची है वो डालनी है, ठीक है? यहाँ हम लोगों ने, आपको मैंने बताया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा, 1/2 टीस्पून हल्दी, बाकी गरम मसाले हम लोग बाद में डालेंगे। जी अभी ये देखिए हमारी मूंग की दाल है, भिगोई भी काफ़ी, 2 घंटे की भिगोई भी है, उसमें तो पानी नहीं डालना, जरूरत पड़ी तो छींटा डालेंगे वैसे भी, ठीक है? अच्छी तरह, ये तो वैसे घूमते घूमते दम में गम गल जाएगी, पानी नहीं डालना इसका। देखिए ना, मैंने कहा ना थोड़ा डिफरेंट होता है हर चीज़ पूरी। अब इसको अच्छी तरह भून के हमने इसको दम देना है, ताकि हल्के से आँच में ना रख देना पकने के लिए, और ये बड़ी जल्दी 10-15 मिनट में दाल तैयार हो जाएगी। खड़ी खड़ी दाल है बिल्कुल। यहाँ हम लोगों ने दाल को हल्की बिल्कुल दम देना है, ठीक है? ये देखिए, और यहाँ पे दम देना है हमारी। देखिए दाल बिल्कुल, जैसे चावल नहीं बनते इस तरह हो गई है, और दाल आप देखें बिल्कुल गल गई है। ये 10 से 15 मिनट में दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, ठीक है? हमने इसके अंदर धनिया भी डाला है, आप जितना मर्जी और डाल दें, मैं आपके सामने भी डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा धनिया डाल दें, सबज मिर्च डालनी और डाल दें, लेकिन मेरे हिसाब से मिर्चें मेरे लिए ठीक थी, तो मैंने सबज धनिया नहीं डाला, सॉरी सबज मिर्चें और नहीं डाली, ठीक है? ये देखें, ऐसे जैसा माश की दाल बनती है उससे ज़्यादा टेस्टी बन रही है मूँग की दाल। ये देखें बिल्कुल लो हीट में, बिल्कुल लो हीट में बनी है,
और अभी हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ना आप चेंज करना चाहिए। इसके ऊपर हमने गरम मसाला डाला है, ये देखिए गरम मसाला, ये मैंने अभी पीस के रखा था। ठीक है, चले जी हमारी दाल तैयार हो गई है, आप लोग इंजॉय करें जी। हमारी मूंग की दाल तैयार है मसाले वाली, आप लोग ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह कल हम फिर नई रेसिपी के साथ आएंगे। मुझे दे इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़।